Welcome to my channel, Tax, Tech and Travel. Annual GST Return, मतलब GSTR 9. Okay, तो किन लोगों को फाइल करना है ये GSTR 9? चलो देखते हैं. Every registered person. Okay. तो हम ये समझ लें कि जो भी registered person ने GST में उन सबको करना है. नहीं, इन चारों का नहीं करना है. कौन चारों? एक कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, दूसरा इम्पोर्ट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, तीसरा नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन और पर्सन रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 51 एंड 52. दोस्तों, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल फॉर माय अपकमिंग वीडियो ऑन फॉर्म 9C, दैट इज ऑडिट रिपोर्ट. अरे, क्या है ये GSTR 9? चलो देख लेते हैं. GSTR 9 एक एनुअल रिटर्न है जो सभी रजिस्टर्ड टैक्स पेयर को साल में एक बार फाइल करना है. कितने प्रकार के हैं ये GSTR 9? कुल मिलाकर चार अलग अलग टाइप के हैं GSTR 9. उसमें से पहला टाइप है GSTR 9, GSTR 9A, बी और सी. कौन सा फॉर्म कौन से डीलर को एप्लीकेबल होगा, आइए देखते हैं. GSTR 9, ये फॉर्म सभी रजिस्टर्ड पर्सन को एप्लीकेबल होगा जो GSTR 1, 2 और 3 फाइल करते हैं. GSTR 9A, ये फॉर्म उन टैक्स पेयर को लागू होगा जिन्होंने कंपोजिशन स्कीम को ऑप्ट किया है, जैसे कि ट्रेडर, छोटे दुकानदार एक्सेट्रा, जो GSTR 4 भरते हैं. GSTR 9B, वो उन ई कॉमर्स ऑपरेटर जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजोन, इन कंपनियों को भरना है जिन्होंने पूरे साल में GSTR 8 भरा है. GSTR 9C, ये उन रजिस्टर्ड टैक्स पेयर को लागू होगा जिनका पूरे साल में टर्नओवर 2 करोड़ के ऊपर होगा. GSTR 9C ये कोई फॉर्म नहीं बल्कि एक ऑडिट रिपोर्ट है जिसे एक ऑडिटर को अपने डिजिटल सिग्नेचर से साइन करके रजिस्टर्ड टैक्स पेयर को सेंड करना है. फिर रजिस्टर्ड टैक्स पेयर अपने फाइनेंशियल जोड़ के GST साइट पे अपलोड करेगा. दोस्तों, मेरा अगला वीडियो फॉर्म 9C यानी ऑडिट रिपोर्ट के ऊपर होगा. अगर आपको इसकी डिटेल जानकारी चाहिए तो प्लीज़ आप मेरा चैनल सब्सक्राइब और बेल आइकन के ऊपर दबाएं, ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले. क्या ड्यू डेट है इन सभी फॉर्म्स की? हमें इन सभी फॉर्म्स को 31 दिसंबर के पहले GST साइट के ऊपर अपलोड करना होगा. क्या पेनल्टी होगी अगर हम इन फॉर्म्स को ड्यू डेट से पहले अपलोड ना कर सकें तो? उसकी पेनल्टी है ₹100 पर डे पर एक्ट. यहाँ पे पर एक्ट क्यों लिखा है? पर एक्ट यानी CGST एक्ट और HGST एक्ट. IGST एक्ट को कोई पेनल्टी नहीं. और मैक्सिमम पेनल्टी कितने भरनी होगी? हमें मैक्सिमम पेनल्टी 0.25% ऑफ द टैक्स पेयर टर्नओवर ही भरना होगा, उससे ऊपर नहीं जा सकती. सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर द लेटेस्ट अपडेट.